श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम। जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है उसमें आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको सालासर बालाजी महाराज का एक अनुभव बताने जा रहा हूं जो आपका मन प्रसन्न कर देगा जैसे मेरा हुआ है, गदगद कर देगा जैसे मेरा हुआ है। जय श्री राम बोलता हूँ फिर शुरू करता हूँ। जय श्री राम। हाँ, तो अनुभव शुरू कर होता है यहाँ से कि एक भक्त हैं जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनको बहुत बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। उन्होंने हमें बताया अनुभवों के बारे में, जिनको शिवरात्रि का भी अनुभव हुआ था जो मैंने बताया था आपको, और यमलोक का भी अनुभव हुआ था वो बताया था मैंने आपको, और उनको राम जी के वैकुंठ धाम, राम जी के धाम में भी हनुमान जी महाराज उनको ले गए थे, एक उनको अनुभव ऐसा भी हुआ था जो मैंने सब डाले थे। उनको होली की रात, उन्होंने पूरी रात पूजा की है, और पूरी रात पूजा करने के बाद लगभग सुबह ही हो गई थी, सुबह हो गई, और सुबह जब वो उठे हैं तो उनके जीजा जी का फ़ोन आया उनके पास कि सालासर बालाजी महाराज चलना है, चलो। तो कितने पुण्य आत्मा हैं ये जो होली से अगले दिन सुबह इनको एकदम से प्लान बन गया सालासर बालाजी जाने का, और ये तैयार हो गए जाने के लिए और गाड़ी में बैठ गए और चलने लगे। और जब चलते हैं वहाँ जाने के लिए तो क्या देखते हैं कि जो कार के जो शीशी कार का जो शीशा होता है उतने हिस्से में इनको दिखाई दे रहा है कि एक लाल सिंदूरी हनुमान जी इनकी गाड़ी के साथ साथ उड़ते चले जा रहे हैं और इनकी तरफ देखते हुए जा रहे हैं, जैसे कि इनकी तरफ देखते जा रहे हैं, गाड़ी के साथ साथ उड़ते जा रहे हैं। और ये भी उनको देख करके इनका मन प्रसन्न होता रहा और गदगद होता रहा, और वो किसी और को नज़र नहीं आ रहे थे। चलते 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 एक मोड़ ऐसा आया जहाँ पे रास्ता ढूंढने में इन्हें कठिनाई हो रही थी, इनके जीजा जी ड्राइव कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई इधर की साइड से जाऊँ या इधर की साइड से जाऊँ, तो इनके कान में आवाज़ आई कि आप इस रास्ते से ले लो और इस रास्ते पे गाड़ी आराम से निकल जाएगी, बढ़िया रास्ता है। तो इन्होंने अपने जीजा जी को बताया कि जीजा जी इस रास्ते से ले लो और गाड़ी निकल जाएगी और आराम सही रास्ता है। तो इनके जीजा जी ने बोला कि तू यहाँ पहली बार भी आया क्या? इन्होंने बोला नहीं पहली बार तो नहीं है, हाँ पहली बार ही आया हूँ मैं, पहले तो कभी नहीं आया। मतलब जीजा जी ने बोला इनके कि तू पहले कभी आया यहाँ पे? तो इन्होंने बोला नहीं मैं तो पहली बार आया हूँ। तो ऐसे बात सुनने के बाद भी इनके जीजा जी ने जिनके बताए हुए रास्ते पर ले लिया और ये आराम से वहाँ पहुँच गए। और जब पहुँच गए हैं धर्मशाला में, जब ये पहुँचे हैं और वहाँ पर रूम लिया है इन्होंने, रूम में जब ये अपने पहुँचे हैं धर्मशाला के कमरे में और वहाँ से बालकनी से बाहर की तरफ झांक के देखा है तो एक बहुत बड़े हनुमान जी इनको दिखाई दिए हैं, लाल सिंदूरी वाइट कपड़ों में और दाढ़ी वाले हनुमान जी दिखाई दिए इनको बहुत बड़े रूप में, जो इनको इनके कमरे से दिखाई दे रहे थे बाहर। इन्होंने मन ही मन नमस्कार किया और अपने कमरे में आ गए। उसके बाद बालकनी से अपने कमरे में आ गए, कमरे में आकर इन्होंने विनती करी कि प्रभु बड़ा अच्छा दर्शन दिया, गाड़ी के साथ भी चलते रहे आप और आपको रूम से झांक के देखा बाहर तो आप नजर आए, बड़ा मन प्रसन्न हुआ, एक बार आपका पास से दर्शन और हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। ऐसा कह के खाना वाना खा के सो गए। और जब रूम में सो गए कि सुबह उठ के नहा धो के दर्शन करने हैं, तो ये सोच करके तो रात को सपने में देखते हैं इनके घर, इनके रूम में एक बहुत दाढ़ी वाला, एक सफ़ेद कुर्ते पजामे में दाढ़ी वाले हनुमान जी आए हैं जिनकी बहुत बड़ी दाढ़ी है। वो आए हैं और बोलते हैं कि बेटा कोई और यहाँ कैसे आना हुआ, सब ठीक ठाक कैसे हो बेटा? उन्होंने बोला हम ठीक हैं प्रभु, बस आपसे दर्शन करने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। कि और कोई इच्छा तुम्हारी? कि नहीं प्रभु, बस आपसे मिलने की इच्छा थी और आपके दर्शन करने की इच्छा थी, बस और कुछ नहीं इच्छा हमारी। कि ठीक है, ये सामान लेके मंदिर में ज़रूर आ जाना और कोई इच्छा भी हो तो बोल देना, वो पूरी हो जाएगी तुम्हारी, जो तुम्हें जो इच्छा हो वो पूरी हो जाएगी। ऐसे बोल करके उन्होंने अपना हाथ उठाया और वो गायब हो गए। और इनको जब इस सुबह उठे, इन्होंने सपने में इनको याद आया तो इनको इतना, इनका मन इतना खुश हुआ जैसे कि बालाजी के दर्शन करने आए थे सालासर बालाजी के, और इनको दर्शन उसी रूम में हो गए। ठीक है, ऐसे इनको मन बहुत प्रसन्न हुआ। सोचो जरा, सिर्फ इमेजिन करो कितनी खुशी हुई होगी। और फिर जब ये वो सब सामान की सामग्री जो बताई थी सपने में वो लेकर के पहुँचे हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हुए इनको, बहुत प्यारे दर्शन हुए, और ऐसे दर्शन हुए मन प्रफुल्लित हो गया पूरा। और दर्शन करने के बाद उनको नमस्कार करा हनुमान जी को, और नमस्कार करके चलने के लिए चल दिए ये, और चलने के लिए चल दिए। और जब निकलने लगे तो शाम का समय हो गया था, शाम के समय में थोड़ा अंधेरा हो ही जाता है, और जब गाड़ी जा रही थी तो
तो रोड के आजू बाजू में जितने भी पेड़ होते हैं वो सब पेड़ इनको क्या दिख रहे थे, साफ साफ इन्होंने बताया वो क्या दिख रहे थे, जो बहुत बड़े घने पेड़ थे ना, चारों तरफ घने पेड़, वो पंचमुखी हनुमान की आकृति में दिख रहे थे, और जो बड़े लंबे पेड़ थे ठीक है वो इनको सालासर बालाजी हनुमान जी महाराज की तरह दिख रहे थे, और जो छोटे छोटे पेड़ थे वो इनको मेहंदीपुर बालाजी महाराज की तरह दिख रहे थे। तो इन्होंने बताया, जब ये चीज़ मैंने सुनी था मुर्गों को भी मेरा मन बहुत खुश हो गया, तो मैंने कहा मैं आपका ये अनुभव जरूर डालूंगा, और सालासर बालाजी महाराज तुम्हारी इच्छा पूरी करें, और दर्शन तुम्हें दिए उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, साथ में रहे और दर्शन दिए, और वापस आते समय पेड़ों के रूप में भी नज़र आए आपको, ऐसे दर्शन किसको हो पाते हैं। तो ये इनका सालासर बालाजी महाराज का अनुभव रहा, जो ये दर्शन करने गए होली की पूजा, होली की रात की पूजा के बाद, और मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव लगा, और जो कि इस चैनल पे सालासर बालाजी महाराज का पहला अनुभव डाल रहा हूँ मैं, ये तो स्पेशली स्पेशल चीज़ है बहुत, इसलिए आप सब इस पे कमेंट ज़रूर करना, और आपको बताना कैसा लगा, और जो जो सालासर बालाजी महाराज गए हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो स्पेशली ये वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि वीडियो उनको कैसी लगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम। वीडियो अच्छी।